सुविधा देने के लिए हरियाणा सरकार कानून बनाएंगे। विधानसभा में इसे लेकर विधेयक लाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को मानसून सत्र के पहले दिन सदन में इसकी घोषणा की। उन्होंने परिवार पहचान पत्र के डाटा की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा की ओर से उठाए गए सवालों का एक एक कर जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के लिए सरकार की ओर से डाटा जुटाया जा रहा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। हमने आधार नहीं परिवार का डाटा एकत्रित किया है। परिवारों ने अपनी आय इसमें स्वयं घोषित की है जिसकी पड़ताल सरकार स्तर पर की जा रही है। 18 अगस्त 2021 तक 54,73,599 परिवारों के 2,20,48,121 व्यक्तियों के परिवार पहचान पत्र में पंजीकरण अपनी हस्ताक्षर सहमति दे रहे। मनोहर लाल खट्टर ने इस बात की घोषणा की है परिवार पहचान पत्र को मिले का बनेगा कानून। संवैधानिक दर्जा देने के लिए सरकार कानून बनाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।